जम्मू में हम अच्छी स्थिति में है और वो अच्छी स्थिति हमारी बनी रहेगी। कश्मीर में वेली में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है, मान सकते हैं आप। वहां हमको वोट मिलना थोड़ा कठिन है, प्रयास कर रहे हैं हम कि वहां हमें कुछ स्थान मिल जाए, पर अभी जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, फैसला पसंद नहीं आया घाटी वालों को। देखो, घाटी को तो भारत में रहना ही पसंद नहीं है। कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कर रही थी। सिसोदिया साहब, आप क्या रहते, पसंद नापसंद कहां चलती है किसी की। हाँ, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं साहब कि उनको पसंद आ जाए जी। अभी उसी प्रयास में चल रहे हैं कि घाटी को भी भारत पसंद आए, वहां भी भारत का झंडा। देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमने इस बात में तो हम सफल हुए हैं कि अब वहां पर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं है। वहां पर तिरंगा है, वहां पर एक ही प्रधान है, वो देश के प्रधानमंत्री है। वहां एक ही निशान है, वह हमारा अशोक चक्र है। एक छोटा सा कमेंट मैं शरद जी से भी ले लेती हूँ। शरद जी, जम्मू में हम देख रहे हैं कि अलायंस की वजह से इतनी सीटें हम देख पा रहे हैं, जहां की अगर इंडिविजुअली मैं देखूं तो कांग्रेस जेके एनसी के ज्यादा सीट्स हैं कंपैरेटिवली कांग्रेस के। तो ये जो जोड़ी है, इसकी वजह से क्या ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है रुझानों में? बिल्कुल सही बात है। वहां पर क्या वोटों का जो विभाजन हर बार होता रहा, इस बार नहीं हुआ, यही लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। अन्यथा अलग अलग दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती। लेकिन इस बार जो है, जो अलायंस है बनने से कांग्रेस को काफी बल मिला है और लगता है तो आइसक्रीम वगैरह खाने की तस्वीरें भी आई थी लाल चौक से। अच्छा लगता है कोई वहां जाके आइसक्रीम खाए तो। खैर, बिल्कुल ठीक है। मैं ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और रिएक्शंस हम लेते रहेंगे और रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपको दिखाते भी रहेंगे। लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम हम करें। एक छोटा सा ब्रेक।